नामांकन जुलूस में प्रमिला पांडे के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। जनता के बीच पहले भी लोकप्रिय रह चुकी हैं महापौर प्रमिला पांडे। अपने कार्यों से सदैव जनता के बीच लोकप्रिय रही महापौर प्रमिला पांडे पर भाजपा ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए कानपुर के महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। सोमवार की सुबह महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने नामांकन जुलूस की तैयारी स्वरूप नगर पार्क से शुरू की, जिसकी सूचना पर शहर के तमाम अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों की तादाद में जनता ने महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के समर्थन में आकर भव्य जुलूस में सम्मिलित हुए। महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि विगत वर्ष महापौर रहने के दौरान जो अधूरे कार्य छूट गए हैं, इस बार उन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि अगर इस बार वह पुनः महापौर का चुनाव जीतती हैं, तो जनता के हित में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी जिससे कानपुर की जनता को काफी राहत मिलेगी। महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने इस बार पुनः भरोसा जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद किया और मीडिया कर्मियों के जरिए भाजपा को पूर्ण विश्वास दिलाया कि इस बार भी कानपुर में भाजपा बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। प्रमिला पांडे के नामांकन जुलूस में भाजपा के कई दिग्गजों के साथ शहर के कई नामी गणामी व्यापारियों ने भी प्रमिला पांडे के नामांकन जुलूस में सम्मिलित होकर अपना सहयोग दिखाया है। व्यापारियों ने कहा है कि इससे पहले भी महापौर द्वारा व्यापारी वर्ग के लिए महापौर प्रमिला पांडे द्वारा कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसके चलते व्यापारी वर्ग को कई दिक्कतों से निजात मिली है और आगे भी व्यापारिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा शहर में महापौर के पद पर प्रमिला पांडे को देखना चाहता है। आजिया न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। पार्टी ने हमको विश्वास पर करके हमको फिर से टिकट दिया है। हमारा जो काम बाकी है उसको मैं जनता के घर घर जाके वो काम को मैं ऐसे कौन कौन से अधूरे कार्य हैं इनको अब आप नगर निगम में काम रहता है उसको मैं पूरा करूंगी, पूरी जनता के आशीर्वाद से मैं करूंगी जो रहे। अच्छा, कानपुर में अतिक्रमण को लेकर काफी समस्याएं हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल? पहली बार तो हट नहीं रही, दोबारा है। हमने पूरी कोशिश की थी और जो बचा है काम उसको मैं करूंगी जो ठीक है। अच्छा, पार्टी ने दोबारा विश्वास जताया है तो इसमें आप क्या बोनस देंगे? अरे आप बता रहे, पूरा मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जो गलती उधर करे होंगे उसको एहसास करके। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।